गुरु गुरुदेव कोई दर्शन नहीं है, गुरु तो त्रिदेव दर्शन है। हाँ, गुरु देव दर्शन नहीं है, गुरु त्रिदेव दर्शन है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित हैं, इसलिए गुरु देव दर्शन नहीं, गुरु तो त्रिदेव दर्शन कहलाते हैं। इसी सूत्र के साथ आज की वार्ता, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शास्त्र बड़ी ऊंची बात बोलते हैं, ध्यान करने योग्य संसार में अगर कोई मूर्ति है तो बोले गुरु की मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अच्छा, पूजा करनी हो तो मठ मंदिर ना जा पाओ, आप संसार में यत्र तत्र ना पहुंच पाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूजा मूलम गुरु रूपदम, माता पिता और गुरु के चरण ही पूजा योग्य एक शुभ स्थान है। पूजा मूलम गुरु रूपदम, बात यही नहीं रुकती, सुनना, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर मंत्र की जिज्ञासा है कि नहीं नहीं कोई मंत्र दो, कोई ऐसा मंत्र बताओ वेद का, शास्त्र का, पुराण का, जिससे कल्याण हो जाए, भजन करें। साधु जी, गुरु मुख से निकला हुआ प्रत्येक अक्षर मंत्र का ही काम करता है। हाँ, इसकी सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं, एक सत्य घटना आपको गुजरात क्षेत्र की सुना रहे हैं। गुजरात जिसे पूर्व आदि काल में गुर्जर, पूर्व काल में गुर्जर प्रदेश कहते थे, वहां पर एक महात्मा रहते थे, ध्यान से सुनना, अवधूतानंद बाबा, उनका एक शिष्य हुआ, बड़ा बहुप्रसिद्ध सिद्ध चमत्कारी, बड़ा चमत्कार था उसके पास, गुरु कृपा से सिद्धियां नृत्य करती थी, नाचती थी। अरे हमने तो सुना है गुरु कृपा ऐसी हुई थी कि सिद्धियां तो नाचती, सो तो ठीक है, हनुमान जी को अगर वो कह देते थे कि कल दर्शन करना है तो श्री हनुमान जी पहले से ही आकर के इंतजार करते थे, ऐसी गुरु कृपा थी। आहा, गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर। गुरु के बिना आत्मकल्याण असंभव, ध्यान रखना, सच्चा और अच्छा गुरु रंक को भी राजा बना देता है। कितना भी कोई रंक हो, सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाए, पर ध्यान रखना, कन फुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नरके चले संग लिए जजमान। तो ऐसे गुरुओं से सावधान भी रहना, लेकिन सच्चा और अच्छा गुरु रंक को भी राजा बना देता है। एक एक, एक, एक एक बहुत ऊंची बात, सुबह हमारी मन ही मन में गुरुदेव भगवान से चर्चा हो रही थी, हमारे गुरुदेव बहुत ऊंची बात सुबह बोल रहे थे, हमने उसको लिखा, आप भी नोट करना, हमारे गुरुदेव कह रहे थे गुरु शिष्य का गुरु नाश करता है। गुरु नाश करता है, गुरु का मतलब अहंता, प्रभुता पाय काहे मद नाही, श्री राम तेरा। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, पद पाकर के अभिमान किसको नहीं आता, सुंदर रूप पाकर अभिमान किसको नहीं आता, संपत्ति पाकर के अभिमान किसको नहीं आता, जो गुरु का शिष्य होता है उसे कुछ भी प्राप्त हो जाए अभिमान नहीं आता। तो पूज्य श्री अवधूतानंद बाबा का एक शिष्य गुजरात में रहते थे, ऊंचे महात्मा, ऊंचे ऊंचे, ये ऐसे ही शिष्य नहीं बन गए जो चमत्कारी थे, वैसे उनको डब्बू महाराज कहते थे, वहां की भाषा डब्बू 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 डब्बू, गांव का एक भोला आदमी, बकरियां चराने वाला डब्बू महात्मा बन गया, गुरु से भी आगे निकल गया,
गुरु हो गए गुर, चेला हो गया शक्कर। कैसे? सुना है कि वो महात्मा जो अवधूतानंद बाबा थे, राजसी जमाना था, राजाओं का समय चलता था, तो राजाओं के घर पर वो आए, स्वागत किया राजा ने ढोल नगाड़े पीटे अवधूतानंद बाबा। पूरे राज्य में हल्ला हो गया कि बड़े सिद्ध महात्मा श्री अवधूतानंद बाबा आए, तो बड़े बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगने लगी दर्शन करने के लिए। राजा के गुरु तो बात भी अलग, डब्बू भी चार पांच गया पर दर्शन नहीं भाई, भीड़ के कारण। भोला आदमी, गरीब आदमी, इसके मन में एक दृढ़ बैठ गया कि हम तो इनसे दीक्षा लेंगे। ध्यान से सुनना, अब दीक्षा लेकर के ही रहेंगे, लेकिन मिले कैसे? तो महात्मा ऐसे तो मिलते नहीं, साधु थे तो फक्कड़, राजा के घर जरूर आए थे पर रुकते बाग में थे, आम्र वृक्ष के नीचे आसन लगा करके, ध्यान लगा करके बैठा करते थे। केशव माधव के गोविंद गाते थे, मुरली वाले मोहन मनोहर चितचोर माखन चोर के गीत गाते थे, सब श्रोता सुनकर के मंत्र मुग्ध होते थे। डब्बू भी रोज जाता था और गुरुदेव की आभा मंडल छवि मंडल को देख करके, आंखों को तृप्त करके इनमें ही गोविंद के दर्शन करता था। एक दिन आंखें भराई, आंखों में इसके भाव आए, आंखों में भराई और मन में इसके भाव आया, कहूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ध्यान से सुनना, कबहू तो गोविंद के, गुरुदेव के, दीन दयाल के कानों में हमारी भनक सुनाई पड़ेगी, कबहू तो सुनेंगे गुरुदेव और कभी हमारी बाह पकड़ करके गोविंद से मिलवा देंगे। आंखों में आंसू भरे, गुरुजी का प्रवचन विराम हुआ तो गुरुजी जाने लगे तो डब्बू उठा, गुरुदेव रुकिए रुकिए, गुरुजी रुके, बोलिए भाई क्या बात है बालक? गुरुदेव दीक्षा लेना, हाँ ले लेना बाद में, राजाओं का काम तो जो सिपाही सिपाही मंत्री लगे थे उन्होंने धक्का दे दिया, बेचारा रोता घर को आया, रोता रहा पूरी रात, कब सोधेले हो नाथे हमारी, गाने लगा करने जाएंगे, नहाने धोने पीछे लग जाएंगे, अपने आप दीक्षा दे ही देंगे। और उसने गमछा उठाया, मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव आम के बाग में झोपड़ी में रहते थे, साधुओं तो काम है, साधुओं का काम ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके महात्मा उठे, स्नान करने के लिए नित्य क्रिया करने कमंडल लिया और नित्य क्रिया करने के लिए जंगल में जाने लगे तो पीछे से डब्बू लग गया, गुरुदेव दीक्षा दे दिया।
महात्मा नाराज बा, पागल है क्या, मूर्ख है, इस समय दीक्षा, अभी नहाया ना धोया, अभी जंगल झाड़े जंगल जा रहे हैं भाई, बाद में आना। ये तो लग गया पीछे के, आप देंगे नहीं फिर भाग जाएंगे, दीक्षा दे। इसके चक्कर में गुरु जी 4 किलोमीटर पैदल गए जंगल, ये भागे तब हम नित्य क्रिया करें, पर ये पीछे ही ना छोड़े, ये बार बार वही कहे गुरु जी दीक्षा दे। और गुरु जी कहेंगे ये भागे तो हम नित्य क्रिया करें, नहाए तो अच्छा पागल पीछे पड़ गया, मारे गुस्सा के इसने कहा गुरु जी दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। तो गुरु जी को क्रोध आया, कमंडल उठा, मरिहो लोटा सुखपड़िया फूट जाइए, डब्बू ने प्रणाम किया, जय हो, लो मंत्र मिल गया। इसने मंत्र ध्यान कर लिया, अब तो गुरु जी को प्रणाम किया, बोले गुरु जी अब फ्री हो जाओ तुम, हम चले। गुरु जी ने कहा, बोले मंत्र मिल गया, अब उसने माला ली और मंत्र वही, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, ले माला बैठो दिन नारा। घर भाई बोले जोका बकरा, बोले चुप हो जा, पूरा ना सुनिए, गुरु मंत्र पूरा नहीं सुना जाता। माला ली, भोला भाला आदमी, सीधा गांव का, मरियो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरियो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरियो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। अब इससे लगे कहीं हम भूल ना जाएं, अब भोजन करना है तो भोजन ना करें। घरवाई बोली कर लो, अरे बोले बा भोजन करेंगे हम भूल जाएं, मरियो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरियो लोटा सो खपड़िया। एक काम करो, पत्नी समझदार थी, बोले कुछ देर हम जप रहे, जब लो तुम खा लो तो भूलेगा नहीं। डब्बू भी भोला आदमी ठीक है, बोलत रहा मरिहो लोटा सो खपरिया फूट जाइए, और खाए और बोल मरिहो लोटा सो खपरिया फूट जाइए। भोजन हो गए, पत्नी बोली अब तुम ले लो, हम काम करेंगे, सो फिर इसने ले लिया, मरिहो लोटा सो खपरिया फूट जाइए। धीरे धीरे ये मंत्र सिद्ध हो गया। हमने सुना कि गुरु जी तो चले गए, उन्हें क्या खबर, राजा के बड़े पुत्र जयवर्धन, जयवर्धन नाम के राजकुमार युवराज को प्रेत लगा, बड़े बड़े ओझा तांत्रिक जानकार सिद्ध महात्मा आए, मंत्र लगाया, पर वो उच्च कोटि का प्रेत ब्रह्म राक्षस, वो हटाने मरणासन्न स्थिति जब राजा के बालक की हो गई तो नगर में मुनादी पिटाई गई पूरे राज्य में, अगर कोई जानकार हो सिद्ध हो और अगर राजकुमार को बचा दे तो उचित इनाम दिया जाएगा। डब्बू ने सोचा गुरुजी मंत्र तो दे ही गए थे, वो कथा में सुना गए थे कि ये मंत्र मंत्र गुरु मंत्र कुछ भी हो अग्नि पर भी काम कर देता है, इसने सोचा क्यों ना प्रैक्टिकल कर लिया जाए। राजा के भवन में गया, बड़े बड़े तांत्रिक ओझा बैठे पर ठीक नहीं कर पाए, ये बोला हट जाओ हम ठीक करेंगे, इसका विश्वास इतना दृढ़ था हम ठीक करेंगे। बड़े बड़े तांत्रिक हंसने लगे, अरे भाई डब्बू तुम भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिनकी जटाएं जमीन में गड़ गई वो नहीं ठीक कर पाए, तुम क्या खाक करोगे। अरे बोले चिंता मत करो, गुरु को प्रणाम किया, कान में राजा के लड़के के पास गया और बोला मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। और जैसे ही इतना कहा सो प्रेत को लगा कि ये हमें पहचान गया, कहीं सच में ना खपड़िया फोड़ दे, भूत ने दई गदबा और भूत भगो लड़का ठीक होगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, लड़का ठीक हुआ सो तो ठीक है, अब सुनना पूरी बात, बालक ठीक हुआ, आहा हा बालक ठीक हुआ, और जैसी बालक ठीक हुआ तो राजा ने इनको राज्य का पुरोहित घोषित कर दिया, गुरु राज्य गुरु घोषित कर दिया। अब तो लंबी कतार लाइन लगने लगी, जो छोटे बड़े बड़े तांत्रिक सिद्ध महात्मा थे बेबी प्रणाम करने लगे, डब्बू बोले जय हो गुरु जी की, बड़े बड़े लोग उपहार लेकर आने लगे, महिमा इसकी बढ़ गई। एक दिन गुरु जी के कानों में इसकी महिमा की खबर पहुंची तो गुरु जी भी दर्शन करने आए कि कोई एक ऐसा महात्मा हुआ है अमुक राज्य में जो बहुत सिद्ध है, तो लंबी लाइन लगी तो गुरु जी भी लाइन में लग गए। डब्बू ने दूर से देखा कि अरे ये तो हमारे गुरुदेव हैं, आसन से नीचे उतरा, लोगों को एक तरफ, हट जाओ सिपाहियों, गुरुदेव चरणों में साष्टांग दंडवत करके लेट गया। गुरुजी चिंता में कि हम तो तुम्हें पहचानते थे, गुरुदेव आप हमें नहीं जानते, हम तो आपको जानते, कैसी बात करते आप, गुरुदेव आपकी ही तो कृपा का प्रसाद है जो आज डब्बू इतना बहुप्रसिद्ध हो गया। अच्छा तुमने दीक्षा कब ली,
याद करो गुरुजी, जंगल जा रहे थे, झाड़े जंगल कमंडल ने थे, गुरुजी को कुछ ध्यान नहीं आया। अच्छा मंत्र कौन सा दिया? गुरुजी एकांत में, चलो एकांत में बोले बोले आपने मंत्र दिया था ना, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाई है, ये उसी मंत्र का चमत्कार है। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए, हृदय से लगा लिया, धन्य है डब्बू तुमने गुरु वाक्य को मान लिया, मंत्र तो ये भी सिद्ध हो गया।